गाइस वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बैकग्राउंड कुछ नया नया लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आज मैं गांव में आया हुआ हूँ। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था हमारा गांव आने का। भैया को बकरी का दूध लेना था, तो उनका भी बेटा एक्चुअली बीमार है ना, डेंगू हो गया, तो उन्हें बकरी का दूध लेना था, तो वो अपने गाँव आ गए मुझे लेकर के। और ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था, मुझे नहीं पता था कि हम गाँव भी आ जाएंगे। मैं आया था खेलगांव पब्लिक स्कूल तक, लेकिन भैया ने बोला आगे 6 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है, चलो चलते हैं, बकरी का दूध भी ले लेंगे और तुम घूम भी लेना। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि घर से पास 8-10 किलोमीटर पे गांव हो। मैं चला आया, सोचा व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूंगा। गाइस जो बैकग्राउंड में आप मेरे ये पेड़ देख रहे हो, एक्चुअली सफेदा का पेड़ है, और ये वो पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करता है। जहाँ पर भी ट्री की प्लांटेशन होती है उस एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम कर लेता है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर हमेशा प्लांट किया जाता है जहाँ पर वो ट्यूबवेल का पूरा इंतज़ाम हो, ठीक है। और इस पेड़ की जो लकड़ी होती है, इस लकड़ी से ज़्यादातर क्या बनता है, जो पटरा आप देखते हो, बल्ली जो घर बनाने में यूज़ होती है, जो पटरा घर बनाने में यूज़ होता है, उन चीज़ों का बनावट किया जाता है इस पेड़ की लकड़ी से। अभी गाइस मैं वापस जा रहा हूँ, नहीं वापस नहीं जा रहा हूँ, मतलब कि अभी बस घूम ही फिर रहा था। भैया लोग अपने काम में बिजी हो गए। एक्चुअली बबलू भैया थे वो अपने घर पे हैं, और सौरभ भैया और मिक्की भैया बैठे हुए हैं ट्यूबवेल के पास। एक्चुअली मेड़ पे चलना थोड़ा टफ होता है, ऐसा लग रहा है कि चार ईंटों पे चल रहा हूँ, और मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ट्राईपॉड भी नहीं लाया हूँ, तो फ़ोन को आज हाथ में ही होल्ड करके वीडियो शूट करना पड़ा, लेकिन इट फील्स ऑसम। और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, शहर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि शहर में थोड़ा अब जान ही रहो अभी इलाहाबाद में डेवलपमेंट का काम किस तरीके से चल रहा है, तो इस वजह से आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि नीचे थोड़ा गड्ढा था। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आलू की खेती की गई है और अभी इसकी कटाई भी स्टार्ट होगी, अभी ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं। आप देख रहे हो काफ़ी बड़े एरिया में इसकी आलू की बुआई की गई है। मैं तो देखना चाहता था आलू को कटते हुए, काफ़ी दिन हो गया, गाँव में फिर जाता था तो देखता था, बट अभी मैं तकरीबन खुद ही 3-4 साल बाद गाँव आया हूँ, बट आज इन सब चीज़ों को देख के अच्छा लग रहा है। गाइज़ मैं आप लोगों को इस गांव का सबसे गहरा कुआं दिखाता हूं, चलो आओ। अभी मुझे भैया ने बताया कि यहां के जो भैया थे जो यहां पर रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये इस गांव का सबसे गहरा कुआं है, तो मैं आपको वो गहरा कुआं दिखाता हूं, चलो। ये अभी हम आगे कुएं के पास, दिस इज़ द मोस्ट डीपेस्ट वेल ऑफ दिस विलेज। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें गोल्ड का बहुत असर है। कोई एक केमिकल आता है, अभी नाम नहीं याद है मुझको, हाँ। उसको डालिए, उसके बाद ये फिल्टर करता है। अच्छा, करीब आप 1 किलो पत्ती आप बॉईल करिएगा तो 1 तोला लगभग सोना आपको इसमें मिलेगा। ये इस गांव के फार्मर हैं सोनू सिंह, ये कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आपको क्या कहना है? जी हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसकी बगीचा लगाए हैं, यूकेलिप्टस बोलते हैं, इसमें हम लोगों को काफी 3-4 साल में पेड़ तैयार हो जाता है। हाँ हाँ। उसके बाद काटने के बाद फिर ग्रोथ हो जाती है, दूसरा पेड़ अच्छा तैयार हो जाता है। हाँ। और उसको वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं, हाँ, कि इसकी पत्ती बॉयल करने से सोना निकलता है। हाँ। गोल्ड गोल्ड। अच्छा। हाँ। तो अब हम लोग विधि नहीं मालूम तो ये हमारे बबलू भैया, हाँ, जो बता रहे थे, मतलब प्रॉपर प्रोसेस नहीं मालूम है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है जी 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 कि इसकी लीफ को अगर हम बॉईल करते हैं, पत्ती को बॉईल करते हैं, तो उसमें से गोल्ड हमें मिल जाता है। कोई केमिकल मिलाना पड़ता है, जो केमिकल का नाम एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सोनू भैया बताने के लिए। गाइज अब हम घर जा रहे हैं, घर जाने का टाइम आ चुका है। एक्चुअली अभी हम बबलू भैया के घर जाएंगे, वहाँ पे अगर कुछ खाने का जुगाड़ा जाएगा तो खाएंगे, और फिर कार उठा के फिर घर। ये हम लोग बबलू भैया के घर पे, जहाँ पर अभी काम चल रहा है, ये देख रहे हो आप, सरिया और ये सारी चीज़ फैली हुई है। अब शायद यहाँ पे खाने वाने का कुछ इंतजाम होने जा रहा है। तो गाइस अभी हमारा वापस घर जाने का टाइम आ चुका है, सभी पैकअप वगैरह हो गया, बकरी का दूध तो फिलहाल नहीं मिला, बट हमने पपीते का पत्ती ले लिया है, तो अभी हम वापस घर जा रहे हैं।
एक्सपीरियंस ड्राइवर, डेंगू होने के बावजूद अगर इंसान गाड़ी चला रहा है तो ये जो जज्बा और इंसान के अंदर जुनून है, ये कोई सौरभ भैया से सीखे। अभी हम एक्चुअली घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भैया को कुछ सामान लेना था, आप देख सकते हो वीडियो में, तो शायद इस वजह से यहाँ पर गाड़ी रोकी गई है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में बस चलने ही वाले हैं। अब मैं आगे वीडियो शूट नहीं करूँगा, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपना व्लॉग को एंड करने। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे सच बोल रहा हूँ जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मुझे इस गाँव में मज़ा आया। सो गाइस मैं आज अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।